पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने किसान आंदोलन में किसानों की मौत को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पीएम मोदी एक हाथी के मरने पर भी ट्वीट करते हैं, लेकिन किसानों के मरने पर कोई ट्वीट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि जब पहले किसान की मौत हुई थी तभी सुप्रीम कोर्ट को रोक लगा देनी चाहिए थी। वर्मा ने कहा शराब कांड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए 50 किसान मर गए, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट नहीं आया। शब्दों के आडंबर रचने में पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मुरैना में 20 लोगों की जान चली गई, एसपी कलेक्टर को हटाना अच्छी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज ने आदेश दिया कि कड़ी कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी कड़ी कार्रवाई की गई? धाराएं तो वही हैं जो लगाई जाती हैं। सज्जन ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लड़कियों की शादी 21 साल में होने की बात कही। पता नहीं वे किस गुफा से खोजकर ऐसे विचार लेकर आए हैं। मुरैना में अवैध शराब बनाने के कारखाने चल रहे हैं, जहां पुलिस पहुंचती है तो लेकिन पैसा लेकर वापिस आ जाती है। कि भाषणों से काम नहीं चलेगा शिवराज चौहान, शब्दों के आडंबर से काम नहीं चलेगा। 20 लोग मरे जहरीली शराब से, तुम्हारे ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि तुम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल नहीं पा रहे हो, सिर्फ भाषण देते फिर रहे हो, इस व्यक्ति पे हत्या का मुकदमा चल। नॉर्मल रूटीन है, दूसरी जगह हटा के भेजोगे, अच्छी जगह भेज दोगे पोस्टिंग, क्योंकि माल तो यही देते हैं ना, सरकार को माल यही दे रहे हैं ना। कहीं भी हटा दिया क्या होगा, एक महीने बाद आपको भी पता नहीं लगेगा कि इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ना मुझे पता। मुझे आपत्ति है क्योंकि ये नंबर वन बनने की कोशिश में उल्टे सीधे बयान देता है शिवराज चौहान, उल्टे सीधे निर्णय कराने की कोशिश करता है। अरे 13-14 साल की बच्ची की रक्षा तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में तो कर नहीं पा रहा है। कल वो परसों 13-13 साल की दो बच्चियों के साथ गैंग रेप होता है, किसी महिला के साथ इतना अत्याचार होता है, निर्भया से भी भयानक अत्याचार यहाँ हो रहा, सीधी में हुआ, जनक गुना में हुआ, और उल्टे वकालत कर रहे 21 साल। अरे भैया 18 साल की हो जाए शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका लॉजिक है? 17 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है, ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ बच्ची के साथ रेप होता। आज तक किसी उस पीड़ित बच्ची के घर नहीं गए, इस तरह के कांड में नहीं जाता। कहीं खेत खराब हो जाए तो एक खेत में हेलीकॉप्टर उतार देता है, किसान भाइयों मैंने खजाना खोल दिया। सज्जन सिंह वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पहली मौत हुई थी तब आपने सरकार को कड़े निर्देश क्यों नहीं दिए? अब सुप्रीम कोर्ट डायलॉग उछाल रही है कि कृषि बिल पर केंद्र सरकार रोक लगाए वरना हम लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी अब साहस आ गया है। सज्जन सिंह वर्मा की बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं और सुप्रीम कोर्ट को उनके मुताबिक कार्य करना चाहिए। कृषि कानून पे रोक नहीं लगी है, नरेंद्र मोदी के इशारे पे ये वक्ता हुए आया है कि यदि आप कानून नहीं हटाओगे तो हम हटा देंगे। इतने साल में कौन सा कानून हटाया भैया जो खराब बना है? सुप्रीम कोर्ट जवाब दे दे, किसानों का एक भी प्रतिनिधि है उसमें क्या? किसान क्यों सर झुकाने जाएगा? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहा बात करने? ये डरपोक लोग, ये बिके हुए लोग हैं, अडानी अंबानी के जर खरीद गुलाम हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।